लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह अपील की कि वृंदावन में कुंज गलियों को तोड़कर कॉरिडोर बनाना जनहित नहीं है, इसलिए आम जनमानस के मनोभावना को समझते हुए कॉरिडोर कार्य को रोककर वृंदावन के आम जनमानस को न्याय देना चाहिए और उनके गृहस्थ को सुरक्षित रखते हुए उनके साथ न्याय करने का कष्ट करें। काशी और अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके लिए वहाँ की गलियों को और वहाँ के जो कूचे हैं उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, तो उसका विरोध आप कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या कुछ कहेंगे सर, आपने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है? देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम तो ये कि किसी भी काम का एक कार्य योजना तैयार, एक तौर तरीका, और राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी को बर्बाद कर देना, किसी को आबाद कर देना, किसी को खत्म करना, किसी को आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ की सिचुएशन ये है कि सिर्फ धर्म के ही नाम पर ठेकेदारी, धर्म के नाम पर दुकानदारी, धर्म के नाम पर राजनीति, लोक जन समाज पार्टी भारत यह मुहिम आज से नहीं, जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मामला आया और ये लोग कहते रामलला को हम लाए हैं, रामलला आएंगे, तब से धर्म की दुकानों को बंद करने का काम लोक जन समाज पार्टी का, उस समय लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। इस बार हमारी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा और हमने यह डिमांड किया कि वहां की जो कुंज गलियां हैं वृंदावन, उनको न तोड़ा जाए, क्योंकि कुंज गलियों को तोड़कर छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर कॉरिडोर बनाना न्याय हित में नहीं, वहाँ के लोगों को परेशान करने का तरीका। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग किया कि महोदया, कॉरिडोर बनाने के लिए गली तोड़ना कोई जरूरी नहीं है, कॉरिडोर कहीं भी बनाया जा सकता, दूसरे रास्ते से ला करके कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि उन गलियों से तमाम लोगों के जीवोपार्जन हुआ करते हैं, उनके बाल बच्चों का रोजी रोटी चलता, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ करके कॉरिडोर बना दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि हमने बहुत भव्य काम किया। आखिर धर्म की राजनीति क्यों, जब मंदिर को तोड़ना ही तो धर्म की राजनीति, मंदिर तोड़ते हो तो धर्म नहीं लाता, और अभी अगर आपका मंदिर, हमारा मंदिर कोई मुस्लिम हाथ लगाए तो हम उसको विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे कि मंदिर तोड़ा, और हम सही मंदिर तोड़ रहे हैं, तो इसका क्या आपकी पार्टी किस प्रकार इन सब चीजों को रोकते हैं? हमारी पार्टी देखिए, सबसे पहले हम पत्राचार कर रहे हैं, पत्राचार करने के बाद अगर समझ में न आया, लोग न माने, हम रही है इस पर हमारी पार्टी जानकारी जुटाना शुरू कर दी है कि ऐसे कितने लोगों को वहाँ मुआवजा नहीं मिला है, उन लोगों को भी इस जन आंदोलन में हम शामिल करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।